नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अलीगढ़ में आपसी विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं, जहां पर फायरिंग हुई है। मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। प्रधान के बेटे पर गोली मारने के आरोप लगे हैं और ये गोली जो है कि युवक को लगी है। जिला चिकित्सालय उसे रेफर किया गया है। वायरल वीडियो में हथियार लहराते प्रधान के जो बेटे हैं वो नजर आ रहे हैं। थाना गौंडा के हृदय की नगरिया का एक पूरा मामला। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत अचल ताल विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बीते दिन राजस्थान के उदयपुर में दिनदहाड़े हुई हत्या को लेकर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अचल ताल पर प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंका है। वहीं पुतला फूंकने और धारा 144 के उल्लंघन के चलते पुलिस ने बजरंग दल के करीब दर्जन भर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। योगेश वासनी, किस तरीके का प्रदर्शन कर रही थी, क्या डिमांड थी आपको? हमारा प्रदर्शन साफ था, जेहादी आतंकवाद के खिलाफ था। आतंकवाद का हमको पुतला फूंकना था, वो हमने फूंक दिया है। और ना हम प्रशासन से चाहिए 50 करें 100 करें, सबको हाउस अरेस्ट करने, न डरने वाले हैं न डरेंगे। यहाँ खड़े हैं, चाहे अभी उठा के ले जाए, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन हम अपने अपने देश में जो ये अराजक तत्व जो सीधे गर्दन काट रहे हैं, जिनको आराम से रह रहे हैं, विधर्मियों को इस तरह से नहीं रहने देंगे। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये तालिबानी सोच के विरुद्ध लड़ाई है हमारी। तपती गर्मी ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है, यही कारण है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं भी लड़खड़ाती नजर आ रही हैं। उमस भरी गर्मी के कारण आम जनता तो बीमार होती दिख रही है, अब वहीं तपती गर्मी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरे तरीके से बीमार नजर आ रही है। यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट पंखे लगाकर लोग इलाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल नजर आ रही हैं। अस्पतालों में प्राइवेट पंखे लगवाकर लोग इलाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिहादियों के पुतले के साथ जुलूस निकाला है। पुलिस ने जुलूस निकाल रहे कार्यकर्ताओं को रोका, जबरन पुतला छीना। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी युवराज सिंह ने किसी तरह से कार्यकर्ताओं को शांत कराया। उदयपुर में हत्या के विरोध में जिहादियों को पुतला दहन करना चाहते थे कार्यकर्ता। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली बस स्टैंड का ये पूरा मामला। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक की गई। बैठक में DFO विनीता सिंह द्वारा शासन से जनपद के विभिन्न विभागों को आवंटित किए गए पौधारोपण के लक्ष्यों के अनुसार अभी तक गड्ढा खुदान और स्थान चयन की सूचना नहीं दिए जाने वाले विभागों के बारे में अवगत कराया गया है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत गड्ढा खुदवान कराने हुए उसकी सूचना DFO और कार्यालय में उपलब्ध जल्द से जल्द कराई जाए। बलरामपुर पुलिस को चोरी की घटना का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल हुई है। इस घटना में चोरों ने तकरीबन 25 दिन पहले ललिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के घर से लाखों रुपए के जेवरात और 15 लाख पर हाथ साफ कर दिया था। इस घटना में न केवल पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी के सामान को बरामद किया, बल्कि उसके गिरोह का भी पता लगाया। घटना में शामिल गिरोह के अन्य सदस्यों का तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि इस घटना में शामिल एक अन्य आरोपी पर जनपद बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी जनपद बहराइच का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि गिरोह के एक अन्य सदस्य को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तलाश जारी है। इसके साथ पकड़े गए अभियुक्त का भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। बुलंदशहर के थाना नरसेना परिसर में 11 लावारिस वाहन सहित 47 MV एक्ट बेसिस करते हुए कुल 58 वाहनों को
उनकी नीलामी कराई गई है। थानाध्यक्ष नरसेना उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी सयाना की अध्यक्षता में नीलामी की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। थाना नरसेना में हुई वाहन नीलामी को लेकर जगह जगह से इकट्ठा हुए करीब 30 कबाड़ी वाले। वाहन नीलामी को लेकर 11 लावारिस वाहनों की सर्वाधिक 60,000 रुपए की बोली लगाई गई है। डीवाई बुलंदशहर द्वारा ये बोली लगाई गई। फतेहपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दंपति युवती सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही खेत में घूम रहे 4 मवेशी की भी मौत हो गई। एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 12 घंटों में 4 मौत की सूचना पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने जांच कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। वही नायब तहसीलदार ने बताया कि दो थानों क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से दंपति सहित 4 लोगों की जान चली गई, जहाँ राजस्व टीम द्वारा जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के जीएम कोटद्वार दौरे पर पहुंचकर कोटद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इंस्पेक्शन कोच से कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के दर्शन करने के बाद जीएम ने कोटद्वार रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए कहा कि नजीबाबाद गजरौला के बीच में लाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, जो कि अक्टूबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नजीबाबाद गजरौला के बीच में ट्रेनों की गति बढ़ाने की कार्य जो है वो तेजी के साथ किए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ उनका समय भी बच सके। और अब खबर गाजीपुर से, जहां सदर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 पीली धातु यानी कि सोने का टुकड़ा और 4 जोड़ी चांदी की पायल, एक मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद की है। वहीं इसके साथ ही नगदी भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। हरदोई की जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां पर तैनात एक चिकित्सक ने एक महिला के ऊपर और महिला ने चिकित्सक के ऊपर पिटाई करने का आरोप लगाया। मामले की सूचना पाकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह से शांत कराया है। प्राचार्य ने बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस भिड़ गए, जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों पर लाठी डंडे चलाए और वीडियो जिसका वायरल हो रहा है, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर वहां से लोगों को हटाया। मशहूर शहर कोतवाली क्षेत्र के पूरा फुगई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई जिले के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में लखीमपुर खीरी जनपद के पसीगावा थाना क्षेत्र से लापता चल रहे आईटीआई के छात्र का शव तीसरे दिन 50 किलोमीटर की दूरी पर पिहानी में शारदा नहर की नपिया झाल से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि वो नहाते समय डूब गया था, जो बहते हुए यहां पहुंचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्सर में हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने लक्सर उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा है। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के दर्जन पदाधिकारी मौजूद रहे। इन लोगों ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में जो हत्या हुई है, उसके हत्यारों को चौराहे पर खड़े करके फांसी की सजा दी जाए। साथ ही इन लोगों ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार ने इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता सरकार को जगाने का काम करेंगे, राजस्थान से सरकार की जड़ें उखाड़ देंगे। इसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े, हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता करेंगे। इन लोगों ने कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर हमारे लोगों ने भी दूसरे समुदाय के लोगों की तरह ठान लिया, अपने हाथ में हथियार उठा लिए, तो दूसरे समुदाय को झेलना भारी पड़ जाएगा। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। लखनऊ में शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कंटेनर में ट्रक और कार घुस गई। ट्रक ड्राइवर स्टीयरिंग के बीच में फंस गए। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। खड़े कंटेनर में यह ट्रक जा घुसा था। हादसे में गाड़ियों के परखच उड़ गए। विभूति खंड थाने के शहीद पथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।